हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में आप जानेंगे उन टॉप प्लेटफॉर्म्स के बारे में जहां पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट करके अनलिमिटेड लीड्स पा सकते हैं, आप अपने बिजनेस की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, डिजिटल मार्केटिंग, इन सबसे रिलेटेड आपको क्वालिटी कॉन्टेंट सीखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकल एरिया में कोई भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, आपके बिजनेस रिलेटेड सर्च करता है गूगल पे या गूगल मैप पे, तो वहां पर आपका प्रोफाइल दिखे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूजर को दिखे, तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस को टॉप प्लेटफॉर्म पे जरूर लिस्ट करना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक 70% लोग उस बिजनेस से, उस प्रोडक्ट या सर्विस से इन्फ्लुएंस होते हैं जिसे वो ऑनलाइन देखते हैं। और आज के टाइम में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की किसी भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो सबसे पहले जाकर गूगल पे सर्च करते हैं, चाहे उन्हें इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत हो या किसी एस्ट्रोलॉजर की, उन्हें कोई क्रिमिनल लॉयर की रिक्वायरमेंट हो या फिर उन्हें कार वॉश करानी हो या उन्हें कोई हेयर कट कराना हो, वो सबसे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, इस तरीके से बेकरी शॉप नियर मी, इस टाइप के सर्चेस होते हैं। इसीलिए अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बिजनेस को जरूर लिस्ट करना चाहिए टॉप प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं आपको कुछ 10-12 प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां पर आपको जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है अपना बिजनेस नेम से, और वहां पर आपको कुछ सावधानी बरतनी है वो सबसे पहले जान लीजिए ताकि आप कोई गलती ना कर पाए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर कोई और नाम डालते हैं, कोई और कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, वहां पर वो अपने बिजनेस डिटेल कुछ और देते हैं, इसी तरह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो वहां पर कुछ और डिटेल देते हैं, जिससे आपके दो नुकसान है। एक तो जो आपके यूजर है, जो ऑडियंस है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये दोनों ही बिजनेस अलग अलग टाइप के हैं, और जो सर्च इंजन है वो भी कंफ्यूज होता है और यहां से आपका रैंक नहीं होता है प्रोफाइल। इसलिए आपको कुछ सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आपका जो नैप है, यानी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये कंसिस्टेंट रखना है। अब चाहे जितने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करें आप, आपका फोन नंबर, आपका बिजनेस नेम, आपका एड्रेस, जो भी मेजर इंफॉर्मेशन है, आपकी कैटेगरीज वगैरह, ये सारे डिटेल सेम होना चाहिए। चाहे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप लिस्ट कर रहे हो, जस्ट डायल पे लिस्ट कर रहे हो, इंडिया मास्ट पे आप लिस्ट कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका जो नैप है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, ताकि आपका यूजर कभी भी कंफ्यूज ना हो, उन्हें ना लगे कि ये दोनों ही बिजनेस अलग टाइप के हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे ऑडियंस को लूज कर रहे हैं अपने कस्टमर को, इसलिए नैप हमेशा कंसिस्टेंट रखना है। दूसरा सबसे बड़ी सावधानी है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन देना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पर अपना नाम डाल दिया, किसी पर आपने फोन नंबर डाल दिया, किसी पर आपने कुछ एड्रेस डाल दी, तो ऐसा नहीं। आप कहीं भी जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, बिजनेस आवर, आपके जो भी डिटेल्स है, जो आपकी यूएसपी है, वो वहां पर आप डालिए, और ये सारी चीजें कंसिस्टेंट होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कीवर्ड को प्लेस करना। चाहे आप वहां पर डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, चाहे आप वहां पर अपने बिजनेस का नेम डाल रहे हो, या फिर आपके कोई रिव्यूज आ रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वहां पर आपका कीवर्ड जरूर प्लेस होना चाहिए। अगर आपका कोई इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विस है तो इंटीरियर डिजाइनिंग के कीवर्ड डालिए, कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड कीवर्ड डालिए, इसी तरह कोई अकाउंटेंट और बुक कीपिंग या सर्विस वाला कोई प्रोफाइल है तो उससे रिलेटेड आप कीवर्ड डालिए। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पर कीवर्ड्स भी जरूर डालें, और कीवर्ड को मेंटेन करना है हर एक प्लेटफॉर्म पे। और आखिरी बात, आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं तो वहां पर रिव्यूज का सिस्टम होता है। हर प्रोफाइल पर, हर एक प्लेटफॉर्म पर कस्टमर जाते हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे भर भर के ट्रैफिक है, वहां पर लोग आते हैं, वो एक डायरेक्टरीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लोग सर्च करते हैं, तो वहां पर जब रिव्यूज आते हैं तो उस रिव्यूज के साथ आपको इंगेज होना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और एक दिन आपने लिस्ट कर दिया सारे प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आप भूल जाते हैं, उसे कभी ओपन ही करके नहीं देखते, उस डैशबोर्ड पर आप विजिट ही नहीं करते कि लोगों ने क्या इंक्वायरी करी है, उनके क्या रिव्यूज हैं, कोई परेशानी है उनको, या कोई पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, तो आपको जाना है, उस डैशबोर्ड को एक्सेस करना है और चेक करते रहना है कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं, ताकि आप इंगेजमेंट बना रहे आपका उस प्रोफाइल पर, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो उस प्लेटफॉर्म पर। तो ये सारे चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम यहां पर एक एक करके देख लेते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म पर आपको लिस्ट करना है। सबसे पहला तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाया है तो आप बहुत ज्यादा कस्टमर को लूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर लिस्ट करना है, वहां पर मेजर इंफॉर्मेशन है वो डालने हैं, और अगर आपने बना लिया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो वहां पर आपको साइटेशन क्रिएट करना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 12-13 जो प्लेटफॉर्म बताऊंगा, यहां पर आप साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। अब ये साइटेशन क्या होते हैं, क्या
इंपॉर्टेंस है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूं इस कंप्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल कोर्स में। आपको जाना है मेरे चैनल पर और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मैंने 30+ वीडियोस क्रिएट करा है सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। तो इसलिए अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं, वहां से आप लीड्स लेना चाहते हैं, तो फिर आपको जरूर उसको सीखना चाहिए कि क्या क्या वहां पर टेक्निकल चीजें हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करे। फ्री प्लेटफॉर्म है, गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और आपने देखा होगा जब भी आप कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, जिसे हम सर्प भी कहते हैं शॉर्ट में, वहां पर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल का वहां पे आपको रिजल्ट दिखता है। जैसे कोई सर्च करता है रेस्टोरेंट नियर मी, या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर पेट्रोल पंप नियर मी, या फिर बैंक नियर मी, ये जो सर्चेज होते हैं ये क्या, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल के है। और इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई मैप पे भी सर्च करता है तो वहां पर भी आपका प्रोफाइल दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक सिनेरियो से मैं आपको समझाता हूं। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपको भूख लगती है और आपको कोई ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हो, जहां पर आप वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, तो वहां पर सर्च करते हैं आप गूगल पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी। तो आपने मैप पे सर्च करा, मैप ने आपकी लोकेशन को ट्रैक किया और फिर गूगल अपने सर्च इंजन में देखेगा कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसने लिस्ट करा हो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी के नाम से, तो फिर वहां पर जो भी सर्चेस रेस्टोरेंट होंगे वहां आपको दिख जाएगा और वहां से आपको उसका लोकेशन दिख जाएगा, उसके डायरेक्शंस दिख जाएंगे, उसके जो भी मेजर इंफॉर्मेशन है वो दिख जाएंगे, ये सारी चीज। तो इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको जब आप अपना बिजनेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लिस्ट करते हैं। एक तो मैप पे भी आपका रैंक करता है आपका बिजनेस, और दूसरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर भी जब कोई सर्च करता है तो वहां पर भी आपको टॉप 3 के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको जरूर आज ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। दूसरा प्लेटफॉर्म है जस्ट डायल। जस्ट डायल एक बहुत ही पॉपुलर लोकल सर्च इंजन है। यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेस देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, कोई यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, इन सारे बिजनेस की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आप जस्ट डायल पर लिस्ट करते हैं अपने बिजनेस को। तो आपने देखा होगा जब आपने गूगल पे सर्च करते हैं होलसेल क्लोथिंग, इस तरीके की बिजनेस के बारे में आप सर्च करते हैं, तो दूसरे तीसरे नंबर पर आपको जो रिजल्ट है वो जस्ट डायल के देखने को मिलते हैं। इसलिए जस्ट डायल पर आपको अपने बिजनेस को जरूर लिस्ट करना चाहिए। यहां से आपको रिव्यूज वगैरह मिलते हैं, रेटिंग्स वगैरह मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस का ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। तीसरा प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है इंडिया में, जहां ये बायर और सप्लायर के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। अगर आपका कोई बिजनेस है जो होलसेल में आप सेल करना चाहते हैं, जैसे होलसेल गारमेंट्स में रिलेटेड है, होलसेल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा सप्लायर्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको यहां पे बायर्स देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप B2B बिजनेस में हैं, आप किसी दूसरे बिजनेस को कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपको अपने बिजनेस को जरूर इस मार्केट प्लेस पे लिस्ट करना चाहिए। यहां पर आपको डिटेल लिस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहां पे मेजर इंफॉर्मेशन डालिए अपने बिजनेस से रिलेटेड और यहां से देखेंगे कि आपको अच्छे खासे ऑर्डर देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा गूगल पे जब भी आप कोई सर्च करते हैं होलसेल या बल्क के नाम से, तो फिर वहां पर आपको इंडिया मार्ट का भी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, आपको इसे जरूर यूटिलाइज करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म को। इसी तरह नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है सुलेखा। अगर आपका कोई बिजनेस सर्विस बेस्ड है, आप किसी सर्विस में, चाहे आप लॉयर हो, आप अकाउंटेंट हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, किसी भी टाइप के सर्विस है, तो आप अपने सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं सुलेखा के ऊपर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे ट्रैफिक है जो सर्विस को फाइंड कर रहे हैं, किसी न किसी टाइप की सर्विस को वो फाइंड करते हैं। वहां पर आप अपने लिस्ट कर सकते हैं सर्विसेज को, वहां पर आप अकाउंट सेटअप कीजिए, वहां से आपको रिव्यूज वगैरह मिलेंगे, वहां से आपको बहुत अच्छी खासी ट्रैफिक मिलेगी आपके प्रोफाइल के ऊपर, और वहां पर आप अपना फोन नंबर वगैरह डालते हैं तो वहां से आपको कॉल्स भी आ सकती है और अच्छी खासी लीड आती है सुलेखा से। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है येलो पेज। ये एक ऑनलाइन डायरेक्टरीज है जहां आप अपने बिजनेस के डिटेल डालते हैं, आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, और येलो पेज पर भी बहुत सारे ट्रैफिक्स है। वहां पर आपके बिजनेस की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, आप किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, क्या आपकी USP है। इस तरीके से कोई येलो पेज पे आता है और सर्च करता है बेस्ट बिल्डर्स इन दिल्ली, बेस्ट बिल्डर्स इन मुंबई, तो वहां पर आपकी जो रैंक करेगी प्रोफाइल और वहां पर आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आ जाती है, तो यहां से भी आपको लीड्स आती है। येलो पेज पर भी आपको अच्छे से अपना अकाउंट सेटअप करना है। इसके बाद नंबर आता है जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है। यहां पर भी आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, आपको अपने बिजनेस नेम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप फेसबुक पर फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिए, इसी तरह इंस्टाग्राम पर आप एक पेज क्रिएट कर लीजिए, इसी तरह अगर आप B2B बिजनेस में है तो लिंक्डइन पर भी अपना एक पेज क्रिएट कर लीजिए अपने बिजनेस से रिलेटेड। वहां पर आप कॉन्टेंट डिटेल डालिए और हो सके तो अपने बिजनेस से रिलेटेड कॉन्टेंट क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो रेस्टोरेंट के आपके
कोई डिशेज होंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग होगी आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड, आप कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, जो बेटर आपके पास प्रोडक्ट है उसको आप वहां पे प्रोडक्ट को वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कंटेंट क्रिएट करने से भी आपकी ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और यहां से आपका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यहां पर भी अपने बिजनेस के नेम से अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पर एक्टिव रहना है, कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना है। इसी तरह नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेड इंडिया, ये भी B2B एक मार्केट प्लेस है जस्ट लाइक इंडिया मार्ट। यहां पर भी बायर को सप्लायर से मिलाने का काम करता है ये प्लेटफॉर्म और यहां पर आपको अगर कनेक्शन बिल्ड करना है, अपनी नेटवर्किंग इंक्रीज करना है तो आप इंडिया मार्ट पे जरूर आइए, यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप अगर B2B बिजनेसेस में हैं और मार्केट प्लेस को फाइंड कर रहे हैं इंडिया मार्ट के बाद, तो ट्रेड इंडिया बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, इस पर भी आपको अपने बिजनेस को जरूर लिस्ट करना है। इसी तरह नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है प्रैक्टो, ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप एक डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आपका कोई हॉस्पिटल है, तो आपको प्रैक्टो पर जरूर लिस्ट करना चाहिए अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशनल, आप अपने सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं, आप अपने मेडिकल हॉस्पिटल को लिस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यहां पर आप अपने पेशेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप यहां पे जो पेशेंट है आपके वो आपको रिव्यूज वगैरह देते हैं। इसलिए अगर आप हेल्थ केयर या मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं तो फिर आपको अपने बिजनेस को जरूर प्रैक्टो पे लिस्ट करना चाहिए, यहां से आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी रेटिंग अच्छी खासी यहां पर आती है और इसी के साथ साथ आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं अपने पेशेंट से। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है जोमेटो और स्विगी, अगर आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस है आपका तो आपको जरूर जोमेटो और स्विगी पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए, अपने रेस्टोरेंट को, क्योंकि जोमेटो और स्विगी सबसे बड़ा रेस्टोरेंट डायरेक्टरी है। जोमेटो के पास अपना एक बड़ा ऑडियंस है जो फूड में इंटरेस्ट रखता है, जो रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट रखता है, इसलिए अगर आपका बिजनेस कोई फूड से रिलेटेड है, आपका कोई स्टॉल है, कोई रेस्टोरेंट है, तो जोमेटो और स्विगी पे जरूर लिस्ट कीजिए, यहां से भी आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती है। इसी तरह नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है ट्रिप एडवाइजर, अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको अपने बिजनेस को ट्रिप एडवाइजर पे जरूर लिस्ट करना चाहिए, यहां से आपकी जो विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और यहां से आपको अच्छे खासे रिव्यूज और रेटिंग भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना है और लिस्ट करने से पहले जो भी मैंने आपको सावधानी बताई थी, जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं।